नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 3 संरक्षण एवं टकराव का अध्ययन करेंगे। संरक्षण, हमारे चारों ओर जितने भी भौतिक प्रक्रम हैं वे विभिन्न प्रकार के नियमों से नियंत्रित होते हैं। कुछ भौतिक राशियां निश्चित शर्तों के अधीन नियत अर्थात संरक्षित रहती हैं, ये संरक्षित राशियां कहलाती हैं। प्रत्येक संरक्षित राशि के संगत एक नियम है, उन्हें हम संरक्षण नियम कहते हैं। पहले है संरक्षी बल। बल द्वारा यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने में किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ पर निर्भर न करके वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करे, वह संरक्षी बल कहलाते हैं। जैसा कि इस चित्र में बता रखा है, एक वस्तु ए से बी पर जा रही है, अलग अलग मार्गों को पथों को अपना रही है, लेकिन ये केवल प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है इसी पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं संरक्षी बल। दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य एक समान होगा चाहे वस्तु किसी भी पथ को अपनाए। बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। चित्र में दशानुसार एक प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं क्रमशः ए एवं बी है। प्रक्रम उद्गम स्थल ए से मार्ग सी डी ई से किसी भी पथ पर अग्रसर बी पर समाप्त होता है। अतः विभिन्न मार्गों पर अग्रसर होने पर कार्य का मान डब्लू ए सी बी, डब्लू ए डी बी, डब्लू ए ई बी तीनों बराबर हैं। यदि वस्तु एक चक्र में ए से बी, बी से ए तक लाया जाता है तो यहाँ पर दिशा बदल जाएगी, कार्य का मान उतना। इस प्रकार दोनों का योग जो होगा वह चक्र में कार्य जो होगा वह शून्य होगा। जब इस तरह से पूरे चक्र में जब कार्य शून्य होता है तो इसे बल संरक्षी कहते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल, प्रत्यास्थ बल, ये संरक्षी बल है। यदि अन्य बल जैसे घर्षण बल, हवा द्वारा आरोपित बल, शान बल अनुपस्थित हों तो। अब है असंरक्षी बल। यदि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित करे तो बल के विरुद्ध किए गए कार्य दोनों स्थितियों के मध्य अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है तो इसे हम कहते हैं असंरक्षी बल। जैसे कि घर्षण बल, इसमें कार्य एक चक्र में किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं होगा। अब आता है ऊर्जा, किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में ऊर्जा का मापन उस कुल कार्य से किया जाता है जिसे वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था से उस विशेष अवस्था तक आने तक कर सकती है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है जिसे जूल कहा जाता है। अब ऊर्जा के विभिन्न रूप हो सकते हैं। ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। पहला, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, टरबाइन और डायनमो के उपयोग से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना, रसोई घर में जैसे प्रज्वलन में काम आने वाले चकमक में ज्वाला का उत्पन्न होना, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, बिजली से चलने वाला पंखा, गतिज ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन, दो पत्थरों के टकराने से ऊष्मा उत्पन्न होती है वो आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा एक प्रकाश में परिवर्तन जैसे विद्युत लैंप का जलना, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। इसी प्रकार एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे वह लाभकारी कार्य नहीं करता है, इसे ऊर्जा का क्षय कहलाता है। जैसे ध्वनि, ऊष्मा किसी भी रूप में हो सकता है। अब आता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, किसे कहते हैं। किसी वस्तु की संरक्षी बलों की उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का कुल योग नियत रहता है। यदि मान लीजिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के और स्थित ऊर्जा यू है, इन दोनों का कुल योग नियतांक रहेगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर जीरो। यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, एक में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है
तो स्थिर ऊर्जा में कमी होगी। इसके आधार पर एक उदाहरण बता रखा है, सिद्ध करो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। मान लीजिए एक वस्तु को, यहाँ पर m द्रव्यमान की एक वस्तु, यदि कहाँ लेकर के जाएं, h ऊंचाई पर लेकर के जा रहे हैं, स्थित बिंदु a से विराम अवस्था से यहाँ से गिराएं, यदि मान लीजिए कितनी ऊंचाई पर ले गए, h ऊंचाई पर, यदि गिराया जाता है, गिराए जाने पर b बिंदु तक आने पर यदि वह x दूरी तय करती है अंत में पृथ्वी पर स्थित c बिंदु पर पहुँचती है। माना कि b व c बिंदुओं पर वेग क्रमशः vb व vc हैं, यहाँ पर वेग vb आ जाएगा और यहाँ पर vc आ जाएगा। सर्वप्रथम हम a b c बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु a पर ऊर्जा कितनी है इसकी। a पर ऊर्जा यहाँ पर विराम अवस्था में है। जब विराम अवस्था में होगी तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, शून्य होगी विराम अवस्था में, और स्थित ऊर्जा जो होगी वो होगी अधिकतम। तो गतिज ऊर्जा इसलिए क्या कर दी विराम अवस्था में, क्योंकि v क्या हो गया, शून्य, इसलिए पूरी शून्य आ जाएगी। यूँ जो है स्थित ऊर्जा h ऊंचाई पर ले जाने पर हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल m द्रव्यमान की वस्तु है, गुरुत्व त्वरण के गुरुत्व बल के ऊपर लेकर के mg आ जाएगा बल, इसलिए mg h। तो w बराबर हम जानते हैं h होता है, तो इसलिए u बराबर mg h। अतः स्थित ऊर्जा कितनी होगी, mg h। गतिज ऊर्जा कितनी है, शून्य, यानी कि a बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या हो गई, mg h। इसी प्रकार b बिंदु पर गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी बी स्क्वायर ये आ जाएगी। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं वी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एस। एस कितनी है यहाँ पर, एक्स। तो यू जो है वो कितना है, शून्य, और अंतिम वेग कितना है वो बराबर, क्योंकि यू शून्य आ गया तो अंतिम वेग कितना आ गया, 2g एक्स आ गया। अब k बराबर 1/2 एम वी बी स्क्वायर निकाला है, b का मान रख दिया तो 2g x आ गया। 2g x आने पर ये 2 से 2 कट जाएगा तो k आ जाएगी b बिंदु पर mg x, ये आ गई mg x। mg x स्थित ऊर्जा का मान निकालेंगे तो u बराबर कितनी आ जाएगी, mg h - x, इसको निकाल लेंगे mg h - mg x। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा भी हमने निकाली थी mgh, और स्थित ऊर्जा mgh - mgh, तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास b बिंदु पर mgh आ जाएगी। इसी प्रकार से c बिंदु पर निकाल लेंगे, c बिंदु पर ये आ गई स्थित ऊर्जा 1/2 एम वी सी स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 0, वी सी स्क्वायर 2gh, तो मान रख देंगे क्योंकि वो दूरी पूरी जो है वो कितनी तय कर ली, h, इसलिए तो mgh बराबर क्या आ जाएगा, 0। k प्लस u, k कितना है, mgh, और u कितनी है, क्योंकि h कितना होगा, 0, इसलिए u 0 आ जाएगा, h 0 होने के कारण यहाँ आ गई वस्तु। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a b c तीनों पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। इसी प्रकार से अब हम पढ़ते हैं संवेग एवं संरक्षण नियम। संवेग किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु का संवेग उस वस्तु के रेखीय वेग और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे p के द्वारा व्यक्त करते हैं। p का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, इसकी विमा m1 l1 और t - 1 होता है। अब आता है संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, किसी निकाय पर कुल बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का परिणामी संवेग नियत रहेगा। यदि बाह्य बल क्या हो, शून्य, तो परिणामी संवेग क्या होगा, निश्चित रहेगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से किसी निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लग रहे बल के बराबर होता है। F बराबर dp/dt। यदि बाह्य बल शून्य है तो dp/dt का मान क्या रहेगा, स्थिर
रहेगा, नियत रहेगा। अब आता है यदि दो कणों के निकाय हो तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग क्या रहता है, निश्चित रहता है। संवेग संरक्षण नियम के कुछ उदाहरण, बंदूक से दागी गई गोली, बंदूक व गोली का प्रारंभिक वेग क्या है, सुनने शुरू में स्थिर है दोनों के दोनों, अंत में कुल संवेग क्या होगा, प्रारंभ में कुल संवेग शून्य है, माना कि दागने पर m द्रव्यमान की गोली का वेग कितना हो जाएगा, v सदिश, तथा m द्रव्यमान की बंदूक का प्रतिक्षेप का मतलब पीछे की तरफ, वो गोली तो आगे जाएगी और बंदूक जो है पीछे की तरफ इतना ही वेग से पीछे खिसकेगी। तो यहाँ पर बंदूक का द्रव्यमान m है, पीछे प्रतिक्षेप वेग v है, इसलिए आ जाएगा, और गोली का m, और ये तो हम प्रतिक्षेप वेग कितना है ये निकालने के लिए m अपॉन माइनस में आएगा, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत होती है, गोली आगे और बंदूक पीछे, इसलिए। इसी तरह से दो पिंडों की टक्कर, माना कि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंडों की टक्कर से पूर्व उनका वेग जो है प्रारंभिक वेग u1 u2 है, टक्कर के बाद उनका वेग हो जाता है v1 v2, तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व का कुल संवेग और टक्कर के पश्चात, टक्कर के पहले m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, इस तरह से रहेगा। धन्यवाद। अब अगला टॉपिक आगे पढ़ें।